इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आर्टिकल 62 और 63 पर मियां रजा रब्बानी का बयान उनका जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। पार्लियामेंट में फौज और अदलिया का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को बचाने की कोशिश की, कभी मुस्लिम लीग नून की मदद नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ ने सिर्फ खुद को बचाना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई इज नॉट जेन्युइन, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो ये चीजें नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ को इख्तदार से हटाया जाता है तो उन्हें मिसाकी जमहूरियत याद आ जाता है। जब मियां साहब हुकूमत में होता है तो फिर वो मिसाकी जमहूरियत भी भूल जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी भूल जाता है, और जब उनको हटाया गया है फिर ये सब चीजें याद आई हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये भी कहना था कि पनामा पेपर्स बाहर से आए, एस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर। यहाँ सबसे पहले मसला पीपल्स पार्टी ने उठाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के स्क्वाड की गाड़ी की टक्कर से बच्चे की हलाकत के वाकये की तहकीकात का भी मुतालबा किया। कैमरामैन उस्मान अली के साथ जमशेद खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।